हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को क्या जिंदगी भर दवा खानी पड़ती है? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं जब कभी भी किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर के लिए हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल लोगों के दिमाग में आता है कि क्या उन्हें जिंदगी भर ही दवाई को खाना पड़ेगा, क्योंकि जब कभी भी वो दवाइयां लेते हैं थोड़े टाइम के बाद उन्हें ठीक लगने लगता है, उनको ओवरऑल सिम्टम में राहत मिल जाती है, लेकिन पंप फंक्शन पूरी तरह नॉर्मल नहीं होता। कई बार कुछ सालों तक भी दवा चलती रहती, कई बार लाइफ टाइम भी हमें नहीं बोलते दवा लेने के लिए। तो अक्सर ये कॉमन क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं, तो आज डिस्कस करेंगे क्या फैक्टर्स है जिस पर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति को लाइफ टाइम दवा लेनी है या नहीं, और उसको कब किस सर्कमस्टांस में बोल सकते हैं कि वो दवा बंद कर सकता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यूजली अगर किसी व्यक्ति को सीवियर हार्ट फेलियर है और दवाओं के बावजूद अगर वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है तो डेफिनेटली मान के चलिए कि उसको लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन सुधारने की कुछ मेडिसिन आती हैं। ये सारी दवाइयां अलग अलग तरीकों से काम करती है और सिग्निफिकेंटली पंप फंक्शन को सुधारती है। जितने ज्यादा समय तक हम इन दवाइयों को देते हैं उतना उम्मीद होती है कि ये पंप फंक्शन को सुधारेगी। कोई भी गाइडलाइन ये नहीं कहती है कि इन दवाइयों को हम कुछ निश्चित समय के बाद बंद कर सकते हैं, या बंद करने के बाद का जीवन कैसा होगा इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कोई ट्रायल्स या कोई गाइडलाइंस अवेलेबल नहीं है। आज तक तो यही माना जाता है या ज्यादातर गाइडलाइंस तो ये सजेस्ट करती है, जिस तरह से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक की दवाइयां लाइफ टाइम चलती है, उसी तरह से हार्ट फेलियर की मेडिसिन भी यदि अगर किसी को हो जाए तो लाइफ टाइम चल सकती है। हाँ, एक शर्त यह है कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए हार्ट फेलियर था, सिग्निफिकेंट उसका पंप फंक्शन डाउन हुआ था या उसको सिम्टम्स थे, लेकिन कुछ समय दवाइयां देने के बाद यदि वो बिल्कुल ठीक हो गया, उसके सिम्टम्स पूरी तरह से कम हो गए, उसको प्रॉब्लम्स आनी बहुत कम हो गई, उसकी तकलीफ पूरी तरह से चली गई, तो वैसे पेशेंट्स को यदि पंप फंक्शन भी पूरी तरह नॉर्मल हो गया है, यानी 55-60% जैसा इजेक्शन फ्रैक्शन आ चुका है, वैसे केसेस में हम कभी कभार दवाई को बंद करने की सोच सकते हैं। हालांकि गाइडलाइन जिसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि इस तरह के केसेस में भी बीमारी के वापस पलट के आने का सिग्निफिकेंट चांस होता है। तो ऐसा नहीं मान के चल सकते कि अगर 50-55 या 60% पंपिंग आ गया तो उसके बाद हमने दवा बंद कर दी तो पेशेंट को कभी कोई तकलीफ नहीं आई, ऐसा नहीं है। वैसे पेशेंट को भी निश्चित रूप से फॉलोअप करते रहना पड़ेगा, रेगुलर उनका इको देखते रहना पड़ेगा, और इसमें भी सिग्निफिकेंट चांसेस ये है कि पेशेंट को वापस से हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो सकते हैं, वापस से उसका पंप फंक्शन जो पहले दवाइयों के माध्यम से सुधरा था फिर से बिगड़ सकता है। तो इसलिए एटलीस्ट अगर हम दवा बंद कर भी रहे तो भी उनको क्लोज फॉलोअप में रखना पड़ेगा, रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा कि उनकी कंडीशन बिगड़ तो नहीं रही है, वापस खराब तो नहीं हो रही है। ज्यादातर पेशेंट्स में जहां सीवियर हार्ट फेलियर होता है हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं, वहां दवा से पंप फंक्शन कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट तो आता है, पर ज्यादातर में पंप फंक्शन पूरा नॉर्मल नहीं होता, पूरा 60 तक नहीं आता। अगर हमने 25-30-35 पंप फंक्शन से चालू किया तो पंप फंक्शन इंप्रूवमेंट होके 35-40-45% तक जा सकता है, बहुत अच्छी किस्मत रही और सब कुछ ने अच्छा वर्क किया तो 50% भी जा सकता है, पर पूरा 60 होने के चांस बहुत कम है। बहुत कम केसेस में, मे बी मैक्सिमम 5-10% केसेस में ही पूरा नॉर्मल होता है, वो भी तब जबकि हार्ट फेलियर बहुत ज्यादा सीवियर ना रहा हो और सेल्स ये ज्यादा मृत्यु ना हुई हो, हार्ट के सेल्स ज्यादातर प्रिजर्व्ड हो, जिसको वायबिलिटी के हिसाब से हम नापते हैं कि अटैक के बाद या फेलियर के बाद कितने सेल्स बचे, कितने मर गए। तो अगर ज्यादातर सेल जीवित है तो उसमें वापस जान आने की ताकत आने के चांसेस अच्छे हैं, और बहुत सारे सेल्स अगर मर गए हैं तो फिर वो मरे हुए सेल्स वापस जीवित नहीं होंगे, नए रीजनरेट भी नहीं होते ये सेल्स, तो इस तरह के सेल्स में फिर मान के चलना पड़ता है कि थोड़े टाइम के बाद पेशेंट का पंप फंक्शन डिटोरिएट होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को सीवियर हार्ट फेलियर है और अगर वो हार्ट फेलियर पूरी तरह ठीक नहीं होता तो मान के चलिए दवा लाइफ टाइम ही चलेगी। अगर ठीक हो जाता है और पंप फंक्शन काफी हद तक नॉर्मल आ जाता है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम दवाओं को बंद कर सकते हैं, पर फिर भी मेरा सजेशन ये होगा कि एक तो हम रेगुलर फॉलोअप रखें उन लोगों का कि वापस डिटोरिएट तो नहीं हो रहे, और दूसरा हम वन एट ए टाइम दवाइयां बंद करें। मान लीजिए अगर हार्ट फेलियर के लिए 4 दवाइयां या 5 दवाइयां चालू है तो हम एक बार एक दवाई को बंद करें, फिर 3-4 महीने 6 महीने फॉलोअप करें, इको देखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर दूसरी दवा को बंद करें, उसके बाद फिर 2-4 महीना 6 महीना फिर फॉलोअप करें, और उसी तरह से हम पेशेंट को सारी दवाइयों से विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक और कंडीशन ये है कि पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर्स जैसे कि बीपी या डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर डायबिटीज है और हार्ट फेलियर था तो फिर हम SGLT2 इनहिबिटर्स जो कि हार्ट फेलियर के लिए देते हैं वो कंटिन्यू रखेंगे। मान लीजिए ब्लड प्रेशर था तो बीटा ब्लॉकर्स, रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन और स्पाइनोलेक्टन एंटागोनिस्ट जो हम हार्ट फेलियर के लिए देते हैं ये ब्लड प्रेशर भी कम करते, तो हम प्रीफर करेंगे कि ये दवाइयों को ही हम कंटिन्यू रखें
और बीपी कंट्रोल करने के लिए हम बाकी दवाइयों के बदले इस दवाई को ही कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये बीपी भी कम करेगी बाकी फायदे भी करेगी, तो हम उसको कंटिन्यू करने का प्रेफर करते हैं। मतलब शर्त ये है कि पंप फंक्शन एक तो पूरा नॉर्मल हो जाना चाहिए, शर्त ये है कि पेशेंट रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए, शर्त ये है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर हम दवाई को विड्रॉ कर सकते हैं। और रिस्क फैक्टर्स भी सिग्निफिकेंट नहीं होने चाहिए, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं होने चाहिए। अगर ये रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम काफी चांसेस है कि दवाइयों को कंटिन्यू करेंगे, और मे बी दवाई के डोजेस को एडजस्ट कर सकते हैं, दवाई के टाइप्स को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम पेशेंट से यही उम्मीद रखेंगे कि वो दवाइयों को लंबे समय तक कंटिन्यू करें, मे बी लाइफ लॉन्ग ऑल्सो। ये सारी दवाइयां जो है लॉन्ग टर्म एक तो पंप फंक्शन के वापस बिगड़ने को रोकती है, ये सारी दवाइयां धीरे धीरे करके पंप फंक्शन को थोड़ा बहुत सुधारती भी रहती है, और लॉन्ग टर्म हार्ट फेलियर रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, जो मृत्यु दर है, पेशेंट का पंप फंक्शन बिगड़ने का चांस है, लकवा होने का चांस है, रिदम प्रॉब्लम्स है, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह होने का चांस है, हार्ट के अलग अलग तरह के रिदम के और भी प्रॉब्लम्स है, जैसे टाकीकार्डियाज है, वो सब होने के चांसेस है, ये सभी चीजों को कम करती है। इसलिए ये दवाई को लंबे समय तक लेने में मृत्यु दर में कुछ ना कुछ फायदा ही मिलेगा, पेशेंट को नुकसान नहीं। तो यदि पेशेंट कोई ना कोई कारण से कोई दवा ले रहा है तो बेटर है कि यही दवा वो कंटिन्यू करता रहे, ताकि उसको प्रॉब्लम्स आने का चांस कंपैरेटिवली कम हो। तो बेसिकली आप मान सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है तो ज्यादातर केसेस में तो मान के चलिए कि पेशेंट को दवाइयां लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। सिलेक्टेड केसेस में आज जहां सब कुछ कंट्रोल में है, जहां सारे रिस्क फैक्टर्स खत्म हो चुके हैं, जहां पेशेंट का पंप फंक्शन पूरी तरह नॉर्मल हो चुका है, वहां पे हम ट्राई कर सकते हैं, और वो भी ट्राई प्रॉपर सुपरविजन में करके किया जाएगा, और वो ट्राई भी जब सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं है तब किया जाएगा, और वो ट्राई के बाद भी रेगुलर फॉलोअप और सारा चीजों का देख रखाव या देखभाल करते रहना पड़ेगा, नहीं तो बीमारी वापिस पलट के आ सकती है। इस मामले में एक शेयर डिसीजन मेकिंग का भी कॉन्सेप्ट रहता है कि आप पेशेंट को भी ये चॉइस दें कि आप क्या चाहते हो। यदि पेशेंट खुश है दवा कंटिन्यू रखने में और वो चाहता है कि हार्ट फेलियर का वापस रिस्क ना ले और दवा कंटिन्यू रखने में से दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल कंटिन्यू रखवाइए, और यदि पेशेंट बोलता है कि नहीं साहब मेरे को दवा नहीं लेनी है, मैं बहुत बोर हो चुका हूँ इतने साल से दवा ले लेके, अब मेरे को बंद करिए, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ये एक रिस्क बेनिफिट रेशियो है कि दवा आप जब बंद करते हैं तो वापस हार्ट फेलियर के पलट के आने का रिस्क तो है। तो ये डिसीजन पेशेंट को और डॉक्टर को मिलके लेना है कि ये रिस्क कितना है और ये रिस्क को पेशेंट लेने को तैयार है कि नहीं। यदि वो पेशेंट हार्ट फेलियर का रिस्क नहीं लेना चाहता, दवा कंटिन्यू रखना चाहता है तो कंटिन्यू रखिए, यदि पेशेंट वो रिस्क लेना चाहता है, दवा बंद करना चाहता है या कम करना चाहता है, तो उससे डिस्कस करके उसको सारे फायदे नुकसान समझा के फिर आप दवाइयों को बंद कर सकते हो और फिर उसको रेगुलर फॉलोअप में रख सकते हो। यदि कोई पेशेंट ऐसा है जिसके काफी चांसेस है कि वो फॉलोअप में वापस कभी नहीं आएगा या उसके फॉलोअप में ना आने के चांसेस सिग्निफिकेंट है, कहीं और दूर जाके रहने वाला हो, ऐसा लॉन्ग डिस्टेंस पेशेंट वगैरह, तो वैसे में आप बेटर होंगे कि दवाइयों को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वैसे केस में सडनली पेशेंट बिगड़ के जब आपके पास वापस आएगा, आप फॉलोअप नहीं रख पाओगे तो काफी चांस है कि तब कंडीशन और ज्यादा बिगड़ चुकी है। हमने ऐसे काफी पेशेंट देखे हैं जो लंबे समय में काफी बिगड़ी हुई हालत में हमारे पास आते हैं, और सब में कॉमन स्टोरी ये मिलती है कि सब 3 महीने से 6 महीने से साल भर से दवा बंद है। तो बंद करने के बाद बिगड़ते बहुत सारे पेशेंट्स हैं, तो इसलिए अगर सिग्निफिकेंट हार्ट फेलियर है और जरूरत है तो दवा कंटिन्यू रखने में और खासकर लाइफ टाइम कंटिन्यू रखने में ही भला है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।